महाराष्ट्र के बीड जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहां चोर बड़ी ही चालाकी से सिर्फ 2 मिनट में पूरा एटीएम उखाड़ कर अपने साथ ले गए। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी एटीएम को पिकअप पर लाद कर फरार हो गए। हालांकि पुलिस को जब इस बात की सूचना मिली तो पुलिस ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम ने 61 किलोमीटर तक चोरों का पीछा किया। इस दौरान चोरों ने एटीएम को फेंक दिया और खुद फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान की जा रही है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दरअसल बीड के धारूर में एटीएम तोड़ने का मामला सामने आया। सीसीटीवी वीडियो में नजर आ रहा है कि मास्क लगाकर कुछ चोर एसबीआई बैंक के एटीएम केबिन में जा घुसे। उनके पास एक मोटी रस्सी भी थी। उन्होंने पहले तार काटकर एटीएम के ऊपरी हिस्से को उखाड़ा, फिर रस्सी की मदद से 2 मिनट में ही पूरा एटीएम उखाड़ लिया। चोर फिर एटीएम को पिकअप वैन में रखकर ले गए। ये पूरी घटना अब सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। वहीं अब सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले का सीसीटीवी वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।